रेट लिखा हुआ है, रेट लिखा हुआ है अब ना तो सुनो ना, रेट लिखा दुकान संभालना है तुमको, ठीक है? मैं जा रहा हूँ पानी पटाने, ओके? हम तो मस्त लग रहा है ना डॉगी। फिलहाल दोस्तों यहाँ का पार्सल लेकर आया था, लेकिन ताला ही बंद है पूरा। चलो भाई, रात का खाना जो है ना लग चुका है, मस्त चटनी के साथ आलू है और एक कद्दू और एक बरबट्टी भुजिया। प्याज हो चुका है, हल्के पानी डाल दिए हैं तो इसी कारण से दिखाई दे नहीं रहा है, और ज़्यादा बचा हुआ है नहीं, और एक पाटी पानी पड़ जाएगा तो काम ख़त्म भाई। और यहाँ का पार्सल लेकर आया था फर्स्ट टाइम जो है ना, भैया बोले कि नहीं लेंगे, कैंसिल कर दो। चलो चलो ठीक है यार, पहली बार बोले हैं 12 रुपये का नुकसान। आज फिर से इस घर का पार्सल लेकर आ गया हूँ, लेकिन आज भी दोस्तों ताला ही बंद है, और ऊपर से जो है ना कस्टमर जो है कॉल रिसीव कर नहीं रहे हैं, घर में तो कस्टमर है ही नहीं, ताला ही बंद है। तो भाई बन रहा अभी मक्के का रोटी चटनी के साथ, थोड़ा सा खा रख के देखता हूँ रोटी। लेकर तेरा नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। फिलहाल दोस्तों सुबह हो चुकी है और चिड़ियों की चहचहाट की आवाज़ जो है वो सुन ही सकते हैं, और मैं तैयार होकर हमेशा की तरह आ चुका हूँ दोस्तों पुलिया के ऊपर, और इधर मस्त चिड़िया लोग जो है ना चहचहा रही है गजब का। चलिए चलते हैं ऑफिस, देखता हूँ आज कितना पार्सल मिलता है और आज मैं दिन भर मेहनत करके कितना कमा पाता हूँ डिलीवरी वाला काम करके, ठीक है? तो आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक मेरे इस ब्लॉग पर बने रहेगा, और अभी फ़िलहाल ना ट्रेन आ रही है। चलो भाई टाइम भी हो चुका है, मैं निकलता हूँ फटाफट से बिना किसी देरी के, जाने के बाद पता चलेगा कितना पार्सल मिल रहा है आज, ठीक है? चलो भाई पहुँच गए थे ऑफिस, और भाई खुल भी चुका है, एक दो भाई ही आए हैं अभी तक। फटाफट से छाट लेता हूँ पार्सल, फिर भाई निकलना है बांटने के लिए। पार्सल छाट लेता हूँ पटाक से, बस इतना ही। चलो भाई अपना बैग जो है तैयार कर चुका हूँ, निकलता हूँ बांटने के लिए फटाफट से। कोई भी भाई लोग अभी तक निकले नहीं है, लेकिन मैं अपना तैयार कर लिया हूँ तो निकल ही जाता हूँ फटाफट से। मारता हूँ डिलीवर भाई, आज ही 45+ पार्सल है, देखता हूँ उसमें से कितना डिलीवर कर पाता हूँ। चलिए दोस्तों फर्स्ट स्टॉप पे आ गया था पार्सल लेके, बोनी कर लेता हूँ, हालांकि COD पार्सल है, ठीक है? और गई है माता, जय हो। पार्सल था, आ जा आ जा। इसको अच्छा लग रहा है, मैडम पार्सल था। चलो भाई बोनी हो चुका है 500 रुपये का, जय हो। कोई भी बोनी हो अच्छा होना चाहिए, लेकिन इसलिए मैं प्रणाम करता हूँ ताकि आगे सब पार्सल जल्दी जल्दी से डिलीवर हो जाए। चलो भाई आगे चलते हैं। तो भाई हाउस नंबर लिखे नहीं है, कस्टमर ऊपर से कॉल रिसीव कर नहीं रहे, कौन वाला घर हो सकता है यार? वो वाला घर में पूछ के देख लेता हूँ, हाउस नंबर तो लिखे नहीं है। मैडम, मैडम पार्सल था। चलो भाई 4 पार्सल था और सही घर में ही गया था पार्सल लेकर, 860 रुपये का, नहीं तो 4 पार्सल डिलीवर हो गया मस्त। ची मस्त लग रहा है ना डॉगी। फिलहाल दोस्तों यहाँ का पार्सल लेकर आया था, लेकिन ताला ही बंद है पूरा। कैसे? चलो आज फिर से इस घर का पार्सल लेकर आ गया हूँ, लेकिन आज भी दोस्तों ताला ही बंद है, और ऊपर से जो है ना कस्टमर जो है कॉल रिसीव कर नहीं रहे हैं कि पे कर देंगे फिर पार्सल को अंदर डाल दूंगा। कॉल तो लगातार रिडायल मोड पर किया हूँ, लेकिन कॉल उठा ही नहीं गए। चलो चलते हैं, देखता हूँ कॉल रिसीव कर लेंगे, फिर बाद में आ जाऊँगा देने के लिए, तो पार्सल अंदर ही डालना है।
दोस्तों वहाँ से आ गया था इस घर का पार्सल लेके, कॉल कर दिया हूँ कस्टमर के पास और कॉल करता जाऊँगा कॉल। कॉल अगर रिसीव कर लेंगे तो उस घर का ये पार्सल देकर आ जाऊँगा, ठीक है। फिलहाल इसको मार देता हूँ डिलीवर। कस्टमर से बात हो गया है, कस्टमर पैसा डाल दिए हैं, ठीक है। अब बोले कि अंदर फेंक दीजिएगा, फेंक दिया। अब चलते हैं आगे, जल्दी जल्दी से निपटाते हैं भाई। ये बैग का पार्सल जो है उसको भी निकालना है, पहले झोली का ख़त्म कर लेता हूँ फटाफट से। और ये वाला पार्सल कैंसिल, नुकसान 12 रुपये का। तो यहाँ का एक पार्सल लेकर आया था 1000 रुपये का, कस्टमर जो है ना कॉल रिसीव कर ही नहीं रहे थे, उस पार चला गया था, ठीक है। क्यों कॉल रिसीव नहीं कर रहे थे भाई, घर में तो कस्टमर है ही नहीं, ताला ही बंद है। आज पता नहीं क्या होने वाला है यार, 3-4 कस्टमर जो है ना पार्सल ले नहीं रहे, कॉल उठा नहीं रहे। 2 पार्सल था एक ही कस्टमर का, तो कस्टमर क्या किया पता है, कॉल कर रहा हूँ नंबर ही स्विच ऑफ कर दिए। और यहाँ पे कॉल किया जा रहा था, पता नहीं था कि कस्टमर घर पे है नहीं, उस पार चला गया था। मैं सोचा उस पार पार्सल दे दूँगा, फिर इस पार मैं सोचा इस पार से नहीं निकले तो इस पार आ जाता हूँ, तो इस पार आ रहा हूँ, देख रहा हूँ ताला ही बंद है और इसमें मस्त बैर पकड़ा है बहुत सारा। और यहाँ का पार्सल लेकर आया था फर्स्ट टाइम जो है ना, भैया बोले कि नहीं लेंगे, कैंसिल कर दो। चलो ठीक है यार, पहली बार बोले हैं, 12 रुपये का नुकसान। चलो भाई पूरा काम ख़त्म, लगभग एकमात्र पार्सल बचा हुआ है, उसके बाद आज का काम जो है पूरा ख़त्म। चलते हैं भी आगे, यहाँ का पार्सल देने गया था, 2 पार्सल था, वो भी ऑनलाइन पे कर दिए। चलो भाई पूरा काम ख़त्म करके आ गया था ऑफिस, 1-2 भाई और भी आ चुके हैं काम ख़त्म करके। ये वाला पार्सल तो कैंसिल करवा दिए, पैसा जमा कर दिया हूँ, कहाँ का है तो पोस्ट ऑफिस चेक कर दो, प्रीपेड होते लेते जाइएगा। दिखाओ, प्रीपेड रहेगा तो ले जाऊँगा भाई, 12 रुपये फ़ायदा हो जाएगा, नहीं तो फिर वापस कौन आएगा पैसा जमा करने के लिए। हो गई है माता, क्या चाहिए तुमको। चलो भाई काम दाम ख़त्म करके घर आ गया था, खाना पीना खा लिया हूँ, अब जाना है मेरे को खेत में पानी पटाने के लिए। अरे बता, और अभी दुकान में कस्टमर आए हैं और पापा भी खेत में हैं। सबको यहीं पे हो, रेट लिखा हुआ है। दुकान संभालना है तुमको, ठीक है, मैं जा रहा हूँ पानी पटाने, ओके। हम तो पप्पा नहीं तो झप्पा, रेट लिखा हुआ है तो उसमें लिखा थोड़ी ना है, ठंडा करके बेचो कि गर्म करके बेचो। हाँ उसमें लिखा हुआ है क्या, ठंडा करके बेचो तो क्या। जा रहा हूँ पानी पटाने के लिए, ये रहा हम लोग का प्याज गाछी, ठीक है। छोटा छोटा इतना बड़ा बड़ा जो है ना प्याज हो चुका है, हल्के पानी डाल दिए हैं तो इसी कारण से दिखाई दे नहीं रहा है, और ज़्यादा बचा हुआ है नहीं, और एक पार्टी पानी पड़ जाएगा तो काम ख़त्म भाई। ये वाला भर जाएगा, उसके बाद ये वाला भरने वाला है, उसके बाद मतलब काम ख़त्म। और दोस्तों आज पार्सल लेकर गया था ना जितना, उतना में से कम से कम 3-4 पार्सल कस्टमर लिए नहीं। अब यहीं छाया पे थोड़ा बैठता हूँ तो वाला भर जाएगा, और फार्म का जो मुर्गी जो है ना वो भी बेच दिए हैं, अभी सफाई चल रहा है, अभी फिर से छोड़ने वाले हैं। तुम यहाँ पे किस खुशी में आ गए हो? नहीं तुम्हारा अकेले का खेत है। हाँ जाओ फिर पानी पटाओ, फिर मटर लगाया तो कौन पटाया था? देखना यहाँ पे खजूर पेड़ में ना सांप रहता है। सांप रहता है सही में, वहाँ पे देखना वो उसका वो है बिल होगा, देखना मरहला कुत्ता हो। देखो चलो एक दिखाता हूँ तुमको डॉगी, मस्त एक डॉगी। कहाँ? आना दिखाता हूँ। कहाँ? मोबाइल में है।
वीडियो बना के लाया था पोमेलियन डॉग। नहीं तुम क्या बोले, यही डॉग तुम्हारे यहाँ पे था, यही वाला डॉग था। हाँ पर मेरा ब्लैक कलर का था। हाँ तो वो बोलो कि ब्लैक कलर का था, इस टाइप से था, तो बोले यही वाला था मेरे घर में था, तो ये वाला इसके घर में कैसे आ गया? उसके मेरे पास वैसे ही था, ब्लैक कलर का था। दिखाओ दिखाओ दो। और मेरे भाई के जो फ्रेंड का था, चॉकलेट है, वो सेम टू सेम वैसे ही था, जैसे दिखाई ना वैसे एकदम सेम टू सेम था। तो भाई लास्ट पार्टी जो है ना बचा हुआ है, पापा बोल रहे कि आ जा धूप में ना रह के, ये भर जाएगा ऐसे ही, है कि नहीं? चलते हैं, लास्ट बचा हुआ है, 10-15 मिनट के अंदर तो भर ही जाएगा। प्याज बड़ा बड़ा हो गया, उठा के देखो। नहीं अभी नहीं, छोटा है अभी, चलो। वाला बड़ा हो गया है। और बड़ा होता है, इतना बड़ा बड़ा होता है। कुछ बैगन का दो तीन डंडी से घर ले जाओ, लगा दो। देख तो रोज से थी गर्मी में भाल खेती करना भाई हालत ख़राब कर देता है। पानी पटाओ दो दिन तीन दिन बाद बाद, उसके बाद भी पौधा का ग्रो जो है ना ग्रोथ रुक जाता है। बैगन लगाया था यहाँ पे तो भाई शाम को अभी मतलब शाम को ले जाएंगे, दूसरा जगह लगा देंगे। तो ये नहीं घर में लगा देंगे। चलो बैगन लगाए थे, तो देखो कुछ ना मत। अरे तो भाई बन रहा अभी मक्के का रोटी चटनी के साथ, थोड़ा सा खा रख के देखता हूँ रोटी चटनी अन्नू बनाई है। वाह क्या कारीगरी है। एक तो रोटी बता दियो, कारीगरी बना रही सच्चा है तो दिखा दो। ओए तो अनुष्का बना रही है चिला रोटी, चिला रोटी चटनी के साथ, हरा हरा चटनी के साथ, गर्मा गर्म। शाम हो चुका है और अभी जस्ट मस्त चीला रोटी और मक्के की रोटी मस्त हरा चटनी के साथ खाया, मज़ा आ गया खा के, साथ में चावल भी खा लिया। और ये रही हमारी गैया माता, सुबह से शाम तक खाते रहती है मेरी गैया माता। और दोस्तों आज टोटल पार्सल जितना लेकर गया था ना मात्र 40 पार्सल डिलीवर कर पाया था। और आज का जो इनकम जो है मेरा, मतलब कि सोच के गया था कि अच्छा खासा इनकम होगा, तो 480 रुपये, क्योंकि भाई पार्सल जितना लेकर गया था पूरा अगर बिक जाता मतलब डिलीवर हो जाता तो कम से कम 500 रुपये हो ही जाता। हाँ मतलब दो तीन ही पार्सल जो है अटैम्प्ट लगा है, बाकी सब डिलीवर हो चुका था। और दोस्तों आप लोग को प्याज गाछी दिखाया था ना, उस टाइम पानी पटा रहा था, अभी दिखा देता हूँ आप लोग को प्याज। ओ भाई ये तो अभी तक डूबा हुआ है, दिखाई दे नहीं रहा है, मिट्टी गीला हो गया ना इसी कारण से। आठ बज चुका है, दुकान बंद करने का टाइम हो चुका है, बंद कर बाकी हम। बंद कर बना लाइट, बंद कर बना। चलो पोको कोरोना वाली कीप से लगवा रहे यहाँ तुरंत ही कैसे तुरंत ही कैसे भीतर थोड़ा सा पानी दो ना, पानी 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 पानी, गरम पानी नहीं। क्या बनाया सबसे? पानी से क्या करोगे? पानी से नहाऊंगा पीऊंगा, प्यास लगा है पानी से क्या पानी करूंगा? उतना पानी है नहीं है। अरे वाह स्टीम वाला पानी पीऊंगा मैं, देखो चटनी। अरे वाह थोड़ा तीखा होगा ना तब मजा आएगा। चलो भाई रात का खाना जो है ना लग चुका है मस्त चटनी के साथ, आलू है और एक कद्दू और बरबट्टी भुजिया। भाई चटनी मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। Thank you.
चलिए दोस्तों, आज का वीडियो का एंडिंग यहीं पे करते हैं खाते हुए। मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग पे। देखता हूँ कल क्या होता है, कल कितना कमाता हूँ। आके देख रहे हैं। भाई तीखा चटनी।